हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 जो कि ग्रेविटेशन है उसे हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि नाम है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन जो है ये रिलेटेड किस चीज़ से है? अर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, अर्थ जो है अपनी तरफ एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। इसीलिए जब भी हम कोई भी चीज़ डालते हैं या कहीं भी कोई चीज़ रखते हैं या ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती, तो हमेशा वो कहाँ गिरती है? अर्थ के साइड गिरती है। तो अर्थ क्या करता है, हर बॉडी पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, और वो फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज़ ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट बॉडीज इन यूनिवर्स is known as gravitation आप इसे ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी यूनिवर्स में दो बॉडीज जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, ध्यान रखिएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहने का सेंस है कि कोई भी डिफरेंट बॉडीज जो भी यूनिवर्स में है, अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि एक पर्टिकुलर वर्ड आएगा ग्रेविटी। जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा एग्जाम्पल कि न्यूटन बैठे हुए थे और उनके सर पे एक एप्पल गिरा था, जिससे उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पूरी डिस्कवरी उन्होंने की थी। ठीक है, तो हुआ क्या था, वो बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एप्पल जो है वो गिरा है, वो नीचे ही क्यों आया है, तो वो एप्पल जो है कहीं और क्यों नहीं गया। तो नीचे जाने का मतलब ये था कि कोई अर्थ में ऐसी चीज़ है जो कि हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था और ग्रेविटेशन फोर्स का पूरी थ्योरी उन्होंने बताई थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटी क्या होती है। इसको आप लिख लीजिए, ग्रेविटी। ठीक है, अब ग्रेविटी में क्या होगा, आपको अभी मैंने बताया था ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है कि यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज हो, ठीक है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा। अब पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया है ग्रेविटी। ग्रेविटी में क्या होगा, एक बॉडी फिक्स हो जाएगी, दो बॉडीज के बीच में कहा था, तो एक तो कोई बॉडी होगी, दूसरी क्या होगी? अर्थ। ठीक है, तो किसी एक बॉडी और अर्थ के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे हम। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एग्जर्टेड बाई अर्थ, किसके द्वारा लगाया जा रहा हो? अर्थ के द्वारा। एग्जर्टेड बाई अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। ठीक है, वो ग्रेविटेशन फोर्स जो कि अर्थ के द्वारा लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसका मतलब क्या है,
यूनिवर्सल का मतलब ये होता है जो कि हर जगह लगे, ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल हो वो। तो इन्होंने कहा था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, जनरल सी बात की थी इन्होंने, ठीक है, एक का मास मान लिया M1 है और दूसरे का मास क्या है, M2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो न्यूटन ने ये कहा था कि किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, ये बॉडी क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। तो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मास इसका क्या है, M1, इसका मास क्या है, M2, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, M1 इंटू M2। पहली बात इन्होंने ये कही थी। दूसरी बात क्या बताई थी कि यही जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर, इसके स्क्वायर के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दो बातें इन्होंने कही थी। कहने का सेंस क्या था कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितनी कम दूरी होगी, देखिए डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, जो चीज़ इसके साथ है अगर ये ज़्यादा है इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली का मतलब ये होता है। इन्वर्सली में क्या होता है, चीज़ कोई भी चीज़ उसको अपॉन में लिखा जाता है, ठीक है, तो आर स्क्वायर को कहाँ लिखेंगे हम, अपॉन में, साइन दोनों सेम बनते हैं, बस पढ़ने का थोड़ा सा सेंस जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ जब सामने लिखा है तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, जब डाउन साइड में लिखा होगा वन अपॉन करके तो हम उसे पढ़ेंगे एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, ठीक है। अब इन्होंने दूसरे वाले पॉइंट में ये कहा था कि डिस्टेंस जितनी, इसमें उल्टा होता है, इन्वर्सली मतलब उल्टा, अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। तो कहने का मतलब ये था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कम है, मतलब डिस्टेंस कम है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा दूरी पे रखे होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, इन्होंने ये बताया था। तो ये दो पॉइंट इन्होंने कंक्लूड किए थे, और इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने यूनिवर्सल जो, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी से इन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक था उसका नाम है कैपिटल जी, उसकी डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से इन्होंने दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं पूरी क्या, उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए फिगर आपने बना लिया होगा, इन्हीं से हमें डेफिनेशन लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ, दोनों सेम बनते हैं, बस पढ़ने का थोड़ा सा सेंस जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ जब सामने लिखा है तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, जब डाउन साइड में लिखा होगा वन अपॉन करके तो हम उसे पढ़ेंगे एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, ठीक है। अब इन्होंने दूसरे वाले पॉइंट में ये कहा था कि डिस्टेंस जितनी, इसमें उल्टा होता है, इन्वर्सली मतलब उल्टा, अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। तो कहने का मतलब ये था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कम है, मतलब डिस्टेंस कम है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा दूरी पे रखे होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, इन्होंने ये बताया था, ठीक है। फोर्स को डिफाइन किया गया कि जितनी भी बॉडीज हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं जिस फोर्स से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली लाइन मैंने क्या लिखाई थी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और सेकेंड वाले मैंने आपको क्या बताया था, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसी के आगे हमें देखना है, ठीक है, पहले आप इतना लिख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। आगे हम देखेंगे, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल
टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आपको वो दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी तो आप ये लिख लेंगे आराम से, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब वहां से हमने वही दोनों चीजें लिखी। पहला फॉर्मूले से हमने लिखा था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू, इसको इक्वेशन नंबर वन बना लेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वन अपॉन मत पढ़िएगा, अगर वन अपॉन पढ़ेंगे तो डायरेक्टली पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आए थे, अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो दोनों एफ थे तो एक बार एफ लिख दिया, डायरेक्ट एक साइन बना दिया। ऊपर एम वन एम टू इंटू वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम वन एम टू आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है हमें। इसके बाद जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, मतलब ये साइन जब हम हटाते हैं कभी भी, तो कौन सा साइन आता है, इक्वल साइन आता है। और इक्वल साइन आने के साथ साथ एक कांस्टेंट भी हमेशा इंट्रोड्यूस होता है। ये आपके लिए थोड़ा नया है लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी ये साइन हटाएंगे, इस साइन को जब इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से करना है हमें। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से कांस्टेंट आएगा। तो क्या लिखेंगे, f इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये अगर आपको कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो तो आपको इस फॉर्मूले से, अगर मास गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, तो आप फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये g क्या है। अभी मैंने आपको बताया था जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, तो ये g क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, और इसका नाम एक दिया गया है क्योंकि ये ग्रेविटेशन में, इसलिए इसको एक नाम क्या दिया गया है, आपका जो है ये ग्रेविटेशन चैप्टर में, इसलिए इस कॉन्स्टेंट का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ये चीज आपको पता होगी, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, कहीं कोई नंबर वगैरह आता था तो उसे कहते थे ये एज अ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैल्यू सेम रहती है उसकी हर जगह। ठीक है, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज जी, इसकी यूनिट यानी इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी फाइंड की गई थी, 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड की गई थी। ठीक है, प्रैक्टिकल किया गया तो उसके बाद ये वैल्यू जी की निकली थी। दो ऑब्जेक्ट कोई रखे होंगे, डिस्टेंस होगी, पर्टिकुलर फोर्स उन्होंने ऑब्जर्व करके जी की वैल्यू उन्होंने फाइंड की थी। क्या होगा इसके बाद, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इसके बाद इनकी यूनिट, अभी हमने तो यहाँ पे यूनिट लिख दी है, चलिए यूनिट हम आपको अभी बता देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, यूनिट बहुत आसान है। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट फोर्स की, अगर आपको यूनिट निकालनी है तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट आपने पढ़ी थी न्यूटन है। अब देखिए आप जी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान रखिएगा मैंने क्या लिखवाया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अभी देखिए किस तरीके से हम इसे फाइंड करते हैं, हमें किसकी चाहिए यूनिट, जी की चाहिए। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और एम वन एम टू कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, एफ की यूनिट आपको पता है क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, दो है मतलब पावर टू है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और एम वन मतलब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम। तो ये जी है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ जी, यूनिट आप अपने आप से निकाल सकते हैं अगर आपको बेसिक यूनिट पता है तो। अब अगर आपको फोर्स की यूनिट नहीं पता है, डिस्टेंस की यूनिट नहीं पता, तो आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। फिर इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये डिवाइड है दैट इज पर किलोग्राम स्क्वायर, लिखा था हमने। एक चीज़ और देखिएगा, एक बार बच्चे ने पूछा था, इसमें थोड़ा डाउट था, अगर हमने पर लगाया तो यहाँ पे पावर जो है टू है, और अगर हम इसको पर नहीं लगाते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर माइनस टू। क्यों, क्योंकि अपॉन में था, अपॉन को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस टू आएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने पर का साइन भी लगा दिया है, पावर माइनस टू लिखा है तो गलत हो जाएगा, या तो आप पर लगाइए,
पर लगा रहे हैं तो पावर प्लस में लिखेंगे, पर नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर -2 लिखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी की डेफिनेशन को डिस्कस